साथ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि एग्जिट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज दोपहर में एग्जिट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है, यानी कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, क्या लास्ट डेट होने वाली है, और क्या उसका एग्जाम होगा कब, और कब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप जो एग्जामिनेशन आपके अक्टूबर में प्रपोज्ड थे, वो एग्जामिनेशन अब आपके अक्टूबर में होंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है, बार बार मैं कहता हूं कि जो नोटिफिकेशन तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NTA.edu.in की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, तो वेबसाइट पे जाने पे आपके नोटिफिकेशन में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन DPEE 2024 इसका नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन में पहले पॉइंट क्लियर किया गया है कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए DPEE एग्जामिनेशन 2024 क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद यू आर एलिजिबल टू मेक रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसका एक नोटिफिकेशन देखें, जो आप देखें, तो नोटिफिकेशन में जो स्टार्टिंग डेट दी गई है कि जो आपका कंप्लीट ब्रोशर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, वो 24/8/2023 को नोटिफिकेशन पे दे दिया गया है। उसका कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर देखें ओपनिंग डेट क्या है, फॉर्म की ओपनिंग डेट, तो ओपनिंग डेट रहने वाली है 24/8/2024 यानी आज 3 बजे से दिया गया है कि आपको 3 PM 3 बजे के बाद फॉर्म आप ओपन करके फिल कर सकते हैं। और जो उसकी लास्ट डेट दी गई है फॉर्म की, वो फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है 13 सितंबर 2024 यानी 13 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। 11:55 पे यानी फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, फॉर्म आपको 13 सितंबर से पहले फिल करना है। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, वो इन्होंने क्लियर किया है कि 3 दिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, 3, 4, 5 अक्टूबर यानी 3 डेट है, 3, 4 और 5 यानी 3 पेपर आपके कंडक्ट होंगे इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यानी पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जामिनेशन शेड्यूल आपका रहने वाला है, किस पेपर में क्या सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी सेकेंड पेपर में क्या सब्जेक्ट रहेगा और थर्ड पेपर में क्या सब्जेक्ट रहेगा, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 3, 4, 5 अक्टूबर क्लियर हो गया है, 3 दिन आपके पेपर होंगे। और जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन इन्होंने कहा है वो 4 नवंबर 2024। तो अब ये क्लियर हो गया कि बिना एग्जिट क्वालिफाई किए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी अब आपको एग्जिट क्वालिफाई करेंगे तभी आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूं। और एग्जिट एग्जामिनेशन की मैंने प्रिपरेशन भी शुरू कराई, रिस्पॉन्स मैंने कहा अगर अच्छा रहेगा तो उसको और बेहतर तरीके से आप उनकी तैयारी कराऊंगा, ताकि आप एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर पाए और ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल आपका हो जाए, जैसे नवंबर के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एग्जिट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप इसको इजिली जाके NTA.edu.in पे देख सकते हैं, वहां नोटिफिकेशन का आपको कॉलम मिलेगा और वहां पे आपका जो नोटिफिकेशन होगा एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे, उस नोटिफिकेशन में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ उसी वेबसाइट से आप इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या पेपर का पैटर्न होने वाला है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना कि एग्जिट का फॉर्म आ चुका है और आप फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी हो जाइए और अपने फॉर्म के फिलअप करने की तैयारी करिए। फिर इसी तरह से एग्जिट से रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस।